हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप अपने फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने वाले हैं कुछ इस तरह से, और वो भी स्नैपचैट ऐप में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन पे स्नैपचैट ऐप को ओपन करना है और स्क्रीन पे क्लिक करके हमें एक बैकग्राउंड को ऐड करनी है। तो इस बैकग्राउंड की डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर से आप इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें अपने फ़ोटो को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें टूल्स पर जाना है और देन नीचे हमें डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपनी फ़ोटो को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। और हमें यहाँ पे स्टैंड पोज में यहाँ पे अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करनी है, तो कुछ इस तरह की फ़ोटो को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ इसके पोजीशन को एडजस्ट करना होगा ताकि यहाँ पे जो फ्लोर है, यहाँ पे ज़मीन जो है, वहाँ पे हमारा जो पैर है यहाँ पे टच हो। और उसके बाद फिर ओपेसिटी को फुल कर दूंगा। अब इतना करने के बाद फिर अप्लाई कर देना है। अब फिर एरो पे क्लिक करके हमें व्यू डिट्स पे जाना है और फिर डबल एक्सपोजर देन ब्रश पे जाना है। अब यहाँ पर हमें पहले तो मिडिल में यहाँ पे बीच में हमें ब्रश करना है अमाउंट को 100 पे रख करके, तो हमारा जो फ़ोटो होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा कि एक्स्ट्रा पोर्शंस भी आ जा रहा है, तो उसे हमें इरेज़ करना है। तो इरेज़ करने के लिए आपको अमाउंट को 0 पे रखना होगा और जो भी एक्स्ट्रा पोर्शंस आ जा रहा है उसे आपको यहाँ पे जूम करके धीरे धीरे इरेज करना होगा। आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से करना होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से मतलब क्या करते हैं कि यहाँ पे जल्दबाजी में करते हैं तो जो भी इफ़ेक्ट आपने अप्लाई किया होगा यहाँ पे इरेज हो जाता है। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे जूम आउट और जूम इन करके यहाँ पे इसे इरेज करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी वीडियो फास्ट किया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसे इरेज करने में, तो मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम लॉस हो। तो आपको यहाँ पे धीरे धीरे अपनी फ़ोटो को इरेज करना है यहाँ पे बैकग्राउंड को। अब इतना इरेज करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे केवल मैं एजेस पे यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ अभी। अब जो छूट गया है तो उसे मैं बाद में करूँगा। अब इसके लिए जो जो छूट गया है तो उसके लिए मैं आई वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे छूट गया है। तो जो जो छूट गया यहाँ पे लाल लाल दिख रहा है, अब जहाँ जहाँ पे छूट गया वहाँ पे मैं फिर बाद में यहाँ पे ब्रश करके यहाँ पे इरेज कर लूँगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अमाउंट को आपको 0 ही पे रखना है। अब जो जो छूट गया उस पर मैं ब्रश कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमारा इरेज हो जाएगा। तो आपको अभी भी ब्रश करने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, तो उसकी भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से आप मैसेज कर सकते हो। तो अब हमारा बैकग्राउंड परफेक्टली इरेज हो चुका है। अब मैं राइट क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा, तो हमारा फ़ोटो अब बिल्कुल परफेक्ट हो यहाँ पे ऐड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मॉडल है यहाँ पे बैकग्राउंड से मैच नहीं खा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ इफ़ेक्ट्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले तो यहाँ पे ड्रेस का चेंज करूँगा, ड्रेस के कलर को। तो उसके लिए टूल्स पे जाऊँगा और यहाँ पे कर्व्स पे जाऊँगा। अब यहाँ पे रेड वाले चैनल को सिलेक्ट करूँगा और इसके हाईलाइट को फुल्ली डिग्रेस कर दूँगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड कर दूँगा। अब फिर अप्लाई कर लूँगा। अब फिर सेम हमें व्यू डिस पे जाना है और फिर जो भी मतलब जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं टी शर्ट को कलर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं अमाउंट को 100 पे रख करके अपने टी शर्ट वाले पोर्शन पे यहाँ पे ब्रश कर दूँगा। तो इस पर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ही करना है ताकि केवल टी शर्ट पे ही हमारा जो परफेक्ट कलर हो वो ऐड हो सके। अब इसके बाद मैं जूते पे भी इसी कलर को ऐड कर दूँगा, तो उसके लिए मैं जूते पे ब्रश कर दूँगा। तो यहाँ पे नीचे जूता है तो इस पर भी ब्रश कर दूँगा। तो यहाँ पे ब्रश करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो टी शर्ट और जूते का कलर है बिल्कुल स्काई से मैच हो रहा है। यहाँ पे एक एक्वा कलर जनरेट हो चुकी है, हमारा जो टी शर्ट का कलर है वो चेंज हो चुका है उसमें। अब जो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कलर आ चुका है जिसमें, तो उसे हम अमाउंट को 0 रख करके उसे हम इरेज कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हो गया था तो इस पर मैं इरेज कर लूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे किनारे भी छूट गया है, मतलब हो गया है यहाँ पे, तो इरेज कर लूँगा। अब इसके साथ यहाँ पे गर्दन पे भी यहाँ पे हमारा हो गया, तो इसे भी मैं इरेज कर लूँगा। तो इतना करने के बाद अब परफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे रेड यहाँ पे भी छूट गया है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा कर दूँगा। अब हमारा कहीं पर भी छूटा हुआ नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करके अप्लाई कर दूँगा। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइटनेस कम लग रहा है, तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए सिलेक्ट टिप पे जाऊँगा। पहले तो मैं ग्रेनी फिल्म पे जाऊँगा और यहाँ पे एक टोन को ऐड करूँगा जिसका नाम है B02 और यहाँ पे ग्रेन को 0 कर लूँगा। तो इससे आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो में कितनी अच्छी चेंजेस आ चुकी है। अब इसके बाद फिर मैं सिलेक्टिव पे जा करके अपने फेस को ब्राइट करूँगा, तो ऊपर सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव पे जाऊँगा। अब यहाँ पर से मैं अपने फेस को पहले ब्राइट कर लेता हूँ, तो फेस पे एक सिलेक्टिव को ऐड करूँगा और राइट की तरफ स्लाइड करके ब्राइटनेस को इनक्रीज़ कर दूँगा।
तो आपको कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करना है, आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आपका जो आपका जितना फेस अगर पहले से ज़्यादा ब्राइट है तो आपको ज़्यादा ब्राइट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी जो फेस थी बहुत ही ज़्यादा डार्क था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे ज़्यादा ब्राइट कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे टी शर्ट को भी ब्राइट करना होगा, तो टी शर्ट को ब्राइट करने के लिए मैं टी शर्ट पर भी सेलेक्टिव ऐड करूँगा। तो आप अब मैं फिर से सेलेक्टिव पर चल जाऊँगा और टी शर्ट पर एक सेलेक्टिव को ऐड करके फिर इसके स्ट्रक्चर को मैं बढ़ा लूँगा और सैचुरेशन को डाउन कर दूँगा। तो इससे अब हमारा जो टी शर्ट है यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो मॉडल है कुछ हद तक यहाँ पे बैकग्राउंड से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ सही लग रहा है। अब यहाँ पे मैं फिर ब्रश पे जाऊँगा, अब थोड़ा सा डॉज एंड बर्न इफेक्ट जनरेट करूँगा यहाँ पे फेस पे। तो पहले तो बर्न को मैं -5 पे रख दूँगा और फिर जो जो पोर्शन को डार्क करना है उसे मैं डार्क कर लूँगा, और जहाँ पे लाइट करना है तो मैं उसे लाइट भी कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे डार्क करना था तो मैं यहाँ पे डार्क कर लूँगा, इतना कर लूँगा। अब यहाँ पे शेडो भी जनरेट कर दूँगा जूते के नीचे। तो अब हमारा जो मॉडल है बिल्कुल बैकग्राउंड से परफेक्टली मैच खा रहा है, तो हमारी फ़ोटो जो है बिल्कुल परफेक्ट एडिटिंग हो चुकी है। अब लास्ट में विगनेट पे जाऊँगा और यहाँ पे थोड़ा सा किनारे वाले पोर्शन को डार्क कर लूँगा। तो इसके लिए कुछ इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। अब हमारी फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट एडिट हो चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे जूम इन करके मैं यहाँ पे दिखला देता हूँ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन चुकी है। अब सेव करने के लिए मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा अपनी फ़ोटो को, तो अब हमारी फ़ोटो HD में सेव हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो और आपको एडिटिंग समझ में आई हो। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो रही है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ गाइस किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।